Hey, what's up guys, welcome to my channel. इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ LCM find out करना by division method 15, 20 और 25 का. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे कोमा 25. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट करेंगे. अगर तो इनमें से 3 नंबर्स हैं, इनमें से अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे. ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, ये तो छोटे नंबर्स हैं, हमें पता चल जाएगा. ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर हो तो आपने चेक करना हो कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं. उसके लिए लास्ट डेट अगर उसका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डेट इनमें से कोई हो, इसका क्या मतलब है, वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. देखिए 15 है, लास्ट डेट इसका 5 है, इनमें से नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये डिवाइड 2 से नहीं होगा. लास्ट डेट 0 है, इनमें से है, इसका क्या मतलब है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 25 है, लास्ट डेट चेक करें 5 है, इनमें से नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो इनमें से ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे, तो हम फिर भी यहाँ पे 2 ही लेंगे, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है पहले कि एक नंबर भी इनमें से डिवाइड 2 से हो रहा है, तो हमने पहले यहाँ पे 2 लेने हैं. कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे 5 ले लेते हैं कि 5 के टेबल में तीनों आते हैं, आपने ऐसा नहीं करना. ठीक है, छोटे से स्टार्ट करना है, फिर आगे जाना है बड़े की तरफ. 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 भी वैसे ही लिख दें. 25 भी नहीं आता, इसको भी हम वैसे ही लिख देते हैं. ठीक है, 2 के टेबल में 20 आता है, 10s आर 2, 1s आर 2 और 0 का 0. अब देखिए 15 और 25 तो पहले ही डिवाइड नहीं हो रहा था 2 से, इसलिए तो हमने वैसे ही लिख दिया. अब देखिए जो हमारे पास 10 आया है, ये 2 से डिवाइड होता है, यस, इसका भी लास्ट डेट 0 है, इनमें से है, वैसे भी किसी भी नंबर का लास्ट डेट 0 हो तो इसका क्या मतलब है, वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है. यहाँ पे 2 ले लें, 15 फिर से वैसे ही और 25 भी वैसे ही लिख देते हैं. ठीक है, 2 के टेबल में 10 आता है, 5s आर और ये आ जाएगा 25 का 25. अब हम दोबारा 2 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 15 और 25 तो पहले ही नहीं हो रहा था 2 से डिवाइड, अब 5 भी नहीं हो रहा. ठीक है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है या 6 आता है. अब इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते. 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो देखें, यस, हम 3 ले सकते हैं. 3 के टेबल में 15 आता है, 5s आर, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, इसको वैसे ही लिख दें. 3 के टेबल में 24 आता है, 25 नहीं आता, तो 25 भी वैसे ही लिख दें. अब हम यहाँ पे दोबारा 3 ले सकते हैं, नहीं, 3 के टेबल में इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड होता हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे. 5 के टेबल में 5 आता है, 1s आर, 5 के टेबल में 5 1s आर और 5 के टेबल में 25 आता है, 5s आर, 5 ही ले लेंगे. 5 यहाँ पे 1 वर और 5 पे 3 5 1s आर. फिर आप यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 15, 20 एंड 25, मैंने पहले ही लिखा हुआ है. फिर आपने क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आ जाएगा 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 5s आर 60 और 60 5s आर कितना आ जाएगा, 5 0s आर 0, 6 5s आर 30, 300 आ गया. तो हमारे पास क्या आ गया, LCM का आंसर, LCM ऑफ 15, 20 और 25 का आंसर 300 आ गया. ठीक है, ये तो था LCM बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मैं ओवरव्यू बस आपको दूंगी. तो ये LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने पहले भी इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं बहुत सारी, वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. तो देखिए LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है, 3 नंबर्स हैं, उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद आपने इस तरह लिखने हैं फैक्टर्स, और इनमें से फिर जो कॉमन निकल रहा है वो एक दफ़ा लिखे हैं, जो अनकॉमन है वो भी आपने लिखना है, और मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा. ठीक है, तो LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है, सही है. और LCM बाय डिवीजन मेथड में क्या है, अभी हम जो करके हटे हैं उसमें तीनों का कट्ठे हम सॉल्व करते हैं, सही है. तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, आंसर दोनों तरह सेम ही आएगा. फॉर एग्जांपल अगर ये मैं कर रही थी यहाँ पे 15, 20 और 25, इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी फाइंड आउट करूँ ना इसका LCM, तो भी मेरे पास आंसर यही आएगा. ठीक है, तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, डिफरेंस पता चल गया होगा कि LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, LCM बाय डिवीजन मेथड क्या है. ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके.